पर सीट तो आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी पहले बोल चुके हैं कि हमारा आएगा। सच बोलना बागी है तो मैं बागी हूँ। जो इनके साथ रहे, कितनों घोटाला करे, लूटे, जो करना करे, इनके यहाँ जाएगा वाशिंग मशीन में साफ हो जाता है। बीजेपी खलबलाया हुआ है, उसको एहसास हो चुका है कि 2024 में हम भारत से मुक्त होने वाले हैं, इसलिए अपना ADCBI अपना तोता को यूज कर रहे हैं, इनसे कुछ होने वाला है। देख रहे बिहार इंसॉर्ट्स, मैं हूँ आपके साथ रोहित सख्त, मौजूद हैं राजद के प्रदेश कार्यालय में। आपको बता दें कि जहाँ एक तरफ CBI के द्वारा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को चार्जशीट दायर किया गया, और वहीं दूसरी तरफ आज राजद अपना 27वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है, जहां पर राजद के तमाम जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हैं। आज राजद अपना 27वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है, हम पूरी धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। आदरणीय शेरे हिंदुस्तान लालू प्रसाद यादव जी हम लोगों के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और पार्टी का झंडा का तोलन होगी, 11 बजे टाइम है। कितने सालों से हैं राजद में? हम आजीवन हैं। कितने सालों से आज हम जनता पार्टी से लेके जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल की हम लोग आजीवन है। आदरणीय शेरे हिंदुस्तान लालू प्रसाद जी की आज 27वां पार्टी का स्थापना दिवस पर मैं कहना चाहता हूँ कि देश तानाशाही से गुजर रहा है, देश महंगाई से गुजर रहा है, देश का किसान तबाह है, मजदूर तबाह है। एक तरफ स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को चार्जशीट भी दायर किया गया। वो चार्जशीट तो आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी पहले बोल चुके हैं कि हमारा आएगा। सच बोलना बागी है तो मैं बागी हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री 100 लाख करोड़ जो रुपया लिया, जो कोख में बच्चा है उसको भी 5 करोड़ रुपया कर्जा हो गया। 15 लाख कह के तो नहीं दिए, लेकिन 2 करोड़ लाद दिए, 5 करोड़ लाद दिए, और उसी पैसे से इलेक्शन लड़ने के चाहते हैं। 20 करोड़ 30 करोड़ में MLA MP को खरीदना चाहते हैं और खरीद रहे हैं। ये तानाशाही से ये देश को, और सबसे विश्व का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री चोर है। हाँ, चोर है, चोर है, प्रधानमंत्री को चोर बोल रहा है। इसलिए चोर कर रहा हूँ कि ललित मोदी लेके भाग गया, विजय मल्ला लेके भाग गया। मैं कहता हूँ चौकीदार हूँ, देश तानाशाही से गुजर रहा है, महंगाई से गुजर रहा है, माँ बहनों सुरक्षित नहीं है, देश की बेटियां के साथ बलात्कार हो रही है। उसके फिर आपके पास हम आएंगे, आप बताइए। जहाँ एक तरफ आप लोग स्थापना दिवस आज मनाने जा रहे हैं, तेजस्वी यादव को CBI ने चार्जशीट दायर किया गया, कैसे दिखते हैं उसको? वो तो चार्जशीट किया सो गलत किया है, भारी गलत किया है, वो दुश्मनी की तरह किया है। भाजपा जो है दुश्मनी की तरह किया है, भाजपा तो कह रही है घोटाला किया है। हाँ, वो अपने खुद घोटाला किया है। लड़ेगा उसको तो होना ही नहीं है, जो भाजपा से लड़ेगा तो होना ही है, तो भाजपा से लड़ रहे हैं तो इसको तो क्लीन शीट हो चुका था, इसको तो CBI खत्म कर चुकी थी, फिर दोबारा एक मिनट ने दोबारा जो इसको चालू किया है। आप देखिए वॉशिंग मशीन में वहाँ जो है महाराष्ट्र में दूठो आ गया, वो वॉशिंग मशीन में धोला जाएगा, वो पाक हो जाएगा। जो इनके साथ रहे, कितनों घोटाला करे, लूटे, जो करना करे, इनके यहाँ जाएगा वॉशिंग मशीन में साफ हो जाता है। देखिए और भी कुछ लोग हैं, इन लोगों से भी बातें करेंगे। आज आप लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं, कैसे देखते हैं उसकी? कैसे कितने क्या सालों से राजद से जुड़े हैं? हम लगभग 12 सालों से हम जुड़े हुए हैं। राष्ट्र आज 27वां स्थापना दिवस है, हम लोग सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। हमारे लालू जी भगवान हमारे आ रहे हैं, इसलिए हम लोग और ज़्यादा उत्साहित हैं। तेजस्वी यादव को CBI के द्वारा चार्जशीट दायर किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जो विपक्षी एकता का जो टेस्ट जिनको बैठक हुआ है, BJP खलबलाया हुआ है, उसको एहसास हो चुका है कि 2024 में हम भारत से मुक्त होने वाले हैं, इसलिए अपना ADCBI अपना तोता को यूज कर रहे हैं, इनसे कुछ होने वाला है? कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है। देखिए आप बताइए आज कितने सालों से जुड़े हैं ये बताइए। 1988 से हम जनता से दल में जब था, जनता दल का जब जन्म हुआ था ना, उन्नीस सौ अपना दिवस है। अच्छा, तेजस्वी यादव को चार्जशीट भी तैयार किया गया, ये सब बात कह ली। ये तो तोता बोलता है जी। ये तो तोता बोलता है, ये CBI क्या करेगा उसका? कितनी बार CBI जांच कर चुका है, अब जांच करने के लिए उसके लिए बाकी रह गया है, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं।
चलिए, तो भी आपने देखा, आपको बता दें कि जहां एक तरफ आज राजद का 27वां स्थापना दिवस है, जहां पर तमाम जो राजद के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो कहीं ना कहीं राजद के प्रदेश कार्यालय पहुंच रहे, वहीं हम इन लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर आज 27वां स्थापना दिवस है, तो उस स्थापना दिवस को आप लोग कैसे देखते हैं, और इन लोगों ने बताया भी, और वहीं हम इन लोगों से ये भी पूछे कि आखिर एक तरफ स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को CBI के द्वारा चार्जशीट भी दायर किया गया। इन लोगों का साफ साफ कहना है कि जो भाजपा के खिलाफ लड़ेगा, जो भाजपा के खिलाफ बोलेगा, उसको भाजपा इसी तरह से CBI ED का प्रयोग करके, इस्तेमाल करके उसको परेशान किया जाएगा। और भी इन लोगों का क्या कुछ कहना था आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें, तब तक के धन्यवाद।